107.1 मैक्सिव रेडियो सुन रहे हैं आप मेरे यानी तौसीफ के साथ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे लिखा है मेरी मंडली के सदस्य प्रशांत और रविजा ने, जिसकी फरमाइश की है जगदीशपुर लखनऊ से विजय कुमार, रजनी श्रीवास्तव, सुमी और सारांश ने, और वहीं दिल्ली से हमारे श्रोता अजय सिंघल, रेखा, तानिया और सुशांत ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इशारों में तो कह चुका हूं, इस बात को ज़बां पे लाऊं क्यों, सच कहूं तो डरता हूं कहीं तू ये समझ न पाई तो। हसीन रातें तुझे पुकारे तू भी उनकी सुन। उनको देख के पता नहीं मुझे करेक्शन फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। मैं परेशान हूँ, खुश हूँ, कुछ भी मेरे इमोशंस हैं मैं एक्सप्रेस नहीं करता था। इवन देन उसे पता चलता था कि हाँ वही वाले इमोशन मेरे अंदर है। कुछ तो है हमारे बीच, महसूस तूने भी किया होगा, मेरी हरकतों से जान ले, कभी तो तूने दिल दिया होगा, हसीन रातें तुझे। हमारी फ्रेंडशिप पहले हुई थी, तो जब फ्रेंडशिप होती है तो एक बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल आ जाता है, देन आंखों ही आंखों में बिना बोले आप समझ जाते हो कि दूसरा वाला बंदा क्या सोच रहा है। प्रपोज एज इन मुझे लगता था कि शायद मैं फील करती हूँ, बट दोनों ही शाय नेचर के थे। ये लगता था कि शायद अगर सामने वाला नहीं करता होगा तो क्या। अजनबी से दोस्ती से आ रहे करीब भी लगता है ये मेंट टू बी, पर थोड़ा अजीब भी। I used to admire her, but I started loving her. मैंने इनसे बताया कि बातें हो रही हैं रिश्तों की, तो इन्होंने मुझसे आके बोला कि अच्छा ठीक है मैं मम्मी से बात करूंगा तेरी। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा है, आप बात क्या करोगे? तो इन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूंगा, मैं मिलूंगा मम्मी से जगदीशपुर में। मैंने कहा अच्छा उनसे कह दो रुक जाए। Yeah.
देने रब तू वेला अपने हो मन कोल ते सजदा शगना दाए प्यार दे दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यासे प्यार दे हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे ओ वेखी हो लगी आपको ये कहानी लाइक शेयर और कमेंट के द्वारा हमें बताएं मैक्सू स्टूडियो